ऐसा एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपको फ्री किसी कोई भी 2D कैरेक्टर डाउनलोड करना पड़ेगा। बट हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक कैरेक्टर डाउनलोड कर रखा है और उसका हमने पूरा PSD फाइल भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये वाला हमने सिंपल मैंने एक डाउनलोड कर लगा है। उसके बाद में इसको हमने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर इसका पूरा बढ़िया से एडिट कर रखा है, जिसके अंदर हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, बॉडी, हेड सब कुछ इसके अंदर हमने क्रिएट कर रखा है। आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला फाइल मैं डायरेक्टली आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। उसके लिए आपको मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखिए, उसके बाद में आपको जाना है टेम्पलेट्स के अंदर, इफेक्ट्स के अंदर शो फोल्डर करना है, और जो हमने फाइल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, नाम है सिंपल मैन, सॉरी एनिमेटेड में टेकविन। तो इस वाले फाइल को आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है सिंपल। ओके, इसके अंदर दो फाइल आपको मिल रही है, एक तो PNG है जो कि हमने क्रिएट कर रखा है इफेक्ट के लिए, और ऊपर से एक नोट जो हमने बनाई है उसका वाला सेटिंग है। ठीक है, तो आपको ये इफेक्ट्स के अंदर एनिमेशन बाय टेकविन के अंदर ये मिलने वाला एनिमेशन नाम से, इस नोट को आपको यहाँ पे लेना है सिंपल और मीडिया आउट से कनेक्ट कर देना है। अभी जो हमने एक PSD फाइल आपको दिया है, डाउनलोड किया है आपने, उसको सिंपल यहाँ से फ्यूजन में जाना है और यहाँ से इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से PSD को सिलेक्ट करना है। ओके, अब उस फाइल का नाम है सिंपल मैन। ओके ओके, ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट करना है और इसको कर देना है यहाँ से ओपन। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ सारे उसके पार्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन इसको अब हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे एनिमेशन वाला नोड है उसके ऊपर ले जाना है। उसके ऊपर आपको जो नाम दिख रहा है जिससे कि बॉडी, तो ये बॉडी को आपको इसको कनेक्ट करना है ऐसे ही वन बाय वन करके। जो को यहाँ पे सबने नाम दे रखे हैं इसको ऊपर आपको बस ले जाना है। देखिए, इसके ऊपर मैं ले जाऊँगा सिंपल, ये देखो इसके ऊपर अभी नाम आएगा, इसके ऊपर नाम आया हेड, तो इसको हेड से आपको कनेक्ट कर देना है। ऐसे ही करके सबको एक एक करके वन बाय वन आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर सेटिंग के अंदर आपको मिलने वाली है, एक तो इसके एंकर पॉइंट्स। ठीक है, अभी आपको इस नोट को क्रिएट कर हो गया, अभी इस नोट को आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको सब मिलने वाले एंकर पॉइंट, देखिए हेड का जो है एंकर पॉइंट थोड़ा साइड में हुआ, ये सेटिंग्स सब आपको खाली एक ही बार करना है, उसके बाद में आप इसको जैसे चाहे वैसे एनिमेट कर सकते हो। देखिए, मैं वन वाले विंडो में इसको ओपन किया हूँ। अब इस एंकर पॉइंट को मुझे अच्छे से करना है, क्योंकि जहाँ से इसको मैं मूवमेंट करना चाहता हूँ वहाँ तक आप इसको ले जाना है। अभी मैंने इसको मैनुअल भी यहाँ से आप ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं जब हेड को यहाँ से एनिमेट करूँगा तो देखिए एनिमेट यहाँ पे होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। सेम सभी हिस्से पुर्जों का सेम यहाँ पर कैलकुलेशन है। अभी आपको क्या करना है, जैसे मैं ये हैंड को यहाँ पर ले गया, अभी मैं अगर जब इसको ये इन सबको पहले आपको एक बार सेट कर लेना है। ये एल्बो है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इसको अच्छे से। ठीक है, ये सब एक बार करना है आपको, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं अगर लेफ्ट आर्म को यहाँ से मैं देखाऊँ तो देखिए यहाँ पे इसका जो पॉइंट्स है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले पॉइंट्स को मैं सही से यहाँ से कर सकता हूँ एक एक करके, और ये हैंड को भी मैं यहाँ से अच्छे से कर दिया। अभी ये पूरा बढ़िया से हो चुका है। अभी मैं जब यहाँ से लेफ्ट आर्म को यहाँ से मैं मूवमेंट करूँगा तो ये पूरा हाथ यहाँ से मूवमेंट करना शुरू कर रहा है, यानी कि आप इसको की फ्रेम की मदद से एनिमेट आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सेम एल्बो को भी मैं यहाँ से हिला सकता हूँ, उसके बाद मैं लेफ्ट हैंड को भी मैं यहाँ से हिला सकता हूँ टाटा बाय बाय करने के लिए। तो बहुत इजी है एनिमेशन करना। अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो इलस्ट्रेटर में कैसे क्रिएट किया हो, लेकिन जितना मैं अभी यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ उससे आपका काम चल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कर देना।